पॉज करो जरा, अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे। अच्छा आगे चलें। अच्छा मोहतरम, सवाल निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 9, पेज 379। ऑन यकम जुलाई, टेस्ट का सोल्यूशन इंशाल्लाह कर दूंगा अपलोड, अभी आज ही कर दूंगा। ऑन यकम जुलाई 2017, आरएल सोल्ड वन ऑफ इट्स फोर बिल्डिंग्स फॉर 60 मिलियन। दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 13 एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन ईच, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। अच्छा पिछले सवाल के अंदर ना, एक सवाल में मैंने आपको वो बना के दिया था, बिल्डिंग का अकाउंट अलग, पास पेपर क्वेश्चन 6 में अकोमोलेटेड एब्सेंट का अकाउंट अलग। तो उस दिन मैंने कहा था कि अकाउंट बुक वैल्यू पे भी बन सकता है, तो आज जरा बुक वैल्यू पे बना के देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ के कॉस्ट और रकम रिडक्शन का अकाउंट अलग अलग बना रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होने का ये मतलब नहीं है कि अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन सकता। तो अकाउंट को जरा आज बुक वैल्यू पे बना के देखते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हमने अकाउंट बनाना है एट बुक वैल्यू। वर्किंग नंबर मुझे बता दें कौन सी चल रही थी। वर्किंग नंबर 5, अब ये 6 होगी। यकम जनवरी 17 मुझे चाहिए ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू। वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका एक बताया था, लेकिन उस शॉर्टकट तरीके को साइड पर रख के, मोबाइल साइड पर रख के, अगर इधर मुतवज्जे हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा क्लास में। कॉस्ट में से अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। तो यकम जनवरी 17 को, यकम जुलाई 17 को हमने चार बिल्डिंग्स में से एक बेच दी है, तो इसका मतलब है यकम जनवरी 17 को हमारे पास चार की चार बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी। तो यकम जनवरी 17 को चार बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी, इनकी कॉस्ट आ गई 400। 400 में से आपने माइनस करनी है अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने का तरीका क्या होगा कि आप ये सोचें कि वो बिल्डिंग्स खरीदी कब थी, 13 में, 13, 14, 15, 16, बस 16। तो 16 तक 4 साल ये इस्तेमाल हो गई, तो 400 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 30 से तो ये आएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन, लेकिन मुझे चाहिए 4 सालों की डेप्रिसिएशन। शुक्रिया हजरा जिन्होंने अपनी रोज बदली। जरा 4, 347, ये ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू आ गई है सारे एसेट्स की साल के शुरू के अंदर। अब हमारे साल एक एसेट डिस्पोज हो रहा है और इसके साथ हमारे साल डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन इस साल की, अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, ऑन ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, अब आप बड़े हो गए हैं पेपर में, आईकैप के सोल्यूशन में मैंने दिखाया था, ब्रैकेट में बस फिगरें कैलकुलेट कर रहा है, तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर खुद ही सोच लें। ऑन ओपनिंग, ऑन ओपनिंग, ओपनिंग की कॉस्ट 400, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल 100, ओपनिंग माइनस डिस्पोजल, इन पर आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, और ऑन एडिशन नो डेप्रिसिएशन, एडिशन है ही कोई नहीं, डिस्पोजल 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6/12, 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6/12। अब बड़े हो गए हैं पेपर में इन लिखने के चक्करों में ना पढ़ा करें, ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन डिस्पोजल, जी इसकी भी गुंजाइश है कि आप इस सारे को प्लस यहां लिख दें और एक ही दफा इक्वल टू कर दें, और इसकी भी गुंजाइश है इस सारे को यहां डेप्रिसिएशन के नीचे लिख दें, और इसकी भी गुंजाइश है कि इसको लिखें, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। चलो जैसे भी जा रहा है यार, कोई मसला नहीं, कुछ पॉइंट्स में लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे, हम अपना काम करते हैं। डेप्रिसिएशन 11.67। अब ये अकाउंट बना हुआ है बुक वैल्यू के ऊपर, तो हमें डिस्पोजल्स की बीवी चाहिए या कॉस्ट माइनस कम रिडक्शन, एक ही बात कर दी मैंने, तो डिस्पोजल्स की बीवी चाहिए हमें, इसकी बीवी इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये फैक्टर कितने साल की डिडक्शन देगा, 1 साल की। हमें चाहिए डिस्पोजल की डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक, पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, आधा 17, अच्छा ये तो वो अकम रिडक्शन है ना, ये अकम रिडक्शन है, हाँ हाँ हाँ
ओके 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 ओके। असल में ना इधर भी कोई पॉइंट्स में आ रहा होगा जवाब, जिसको अगर आप लिखवाते तो ये एग्जैक्ट 250 आ जाता, क्योंकि एग्जैक्ट 250 आया था कल। इधर भी पॉइंट्स में आ रहा होगा, 346 पॉइंट, इस तरह का कोई 0.67 जवाब आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं रेड मार्कर पकड़ता हूँ, और रेड मार्कर पकड़ के आप देखें क्या हमने बहुत ज़्यादा मसले खोले या फिर एक ही अकाउंट में सब कुछ हैंडल हो गया। बस छोटी सी वर्किंग करनी पड़ी डेप्रिसिएशन की। डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए नहीं बना रहा कि डिस्पोजल का गेन लॉस जो है मैं बनाने के लिए, और अब प्लीज बड़े हो जाएं, डिस्पोजल का टी अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं। अगर कभी पेपर में बनाना पड़ जाए डिस्पोजल का टी अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं। करंट टैक्स की वर्किंग में ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन कर देनी है। कैसे? बीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस। अब खड़े खड़े मैं आपको बता देता हूं गेन या लॉस आया है। 85 वाली चीज 60 की बिकी, तो 25 का, अब ये 25 का लॉस आप डिस्पोजल का टी अकाउंट खोलेंगे तो पेपर में यही काम करते रहेंगे। ये 25 का लॉस आप करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने ट्राई करनी है अगले टेस्ट के अंदर, अगर डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाए बगैर और ओपनिंग माइनस डिस्पोजल लिखे बगैर ये चीजें अगर हैंडल हो जाए। अच्छा, कैरी डाउन के साथ मैं लिखने लगा हूं। और एक और तरीका था, वो तरीका वो था जो कल आपको मैंने बताया था। कितनी बिल्डिंग्स है हमारी? सिर्फ तीन पड़ी हुई है साल के एंड पे। साल के एंड पे तो तीन पड़ी हुई है ना, और ये जो तीन बिल्डिंग्स हैं ये मैं खड़ा हूं 31, 12, 18 पर, ये 17 पर, 17 पर, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल। तो जवाब देखें यही आ रहा है 250। तो रेड मार्कर वाला काम भी पेपर में किया जा सकता था। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि माइंड इस तरह पेपर में चल रहा हो कि डायरेक्ट भी निकल सकता है। नहीं चल रहा था तो भी मे बी 2 to 3 मिनट्स का काम था ये सारा, कि चार में से एक बिल्डिंग बिकी है। क्या कमाल है आपका, आसान सी एंट्रीज है। एफ वन में इससे पता नहीं मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस की हुई है। अब किसके मुताबिक अकाउंट बनाने हैं? टैक्स वालों के मुताबिक। पहले यहां रख लें, और अगर कॉस्ट और कम्युनिकेशन पे अलग अलग अकाउंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जल्दी करें नोट। बड़ा दरियाबा तो क्या कहता है, हद होती है, घर में भी लाइट जाती है, किसने सिखाया था वो करना? छोटे भाई ने सेट करने पड़े। अच्छा जी, भाई लाइट तो आनी जानी चीज है। आखिर में ये पूछा जाएगा आपने बस सीए कर सके या नहीं कर सके, पेपर पास हुए या नहीं हुए। कोई किसी भी किस्म के उजर जो है वो घर वाले हमारे नहीं सुनेंगे। मेरी कंपनी खराब हो गई थी, मेरा दोस्त ये था, मैं वो था, ये हुआ था, लाइट चली जाती थी, हॉस्टल में ये मसला था, फलां जगह ये मसला था, इन द एंड एवरी वन विल आस्क। उदास से छोड़ पर, पेपर पास हुआ नहीं हुआ, बस ये पूछते हैं लोग एंड पे। तो इसलिए ये सारी चीजें भाई बहाने हैं। मोमबत्ती जला के पढ़ा करें, जो मर्जी करना पड़े। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मगन हो जाता ना जब बंदा किसी चीज में तो पता नहीं चल रहा होता गर्मी लग रही है या नहीं। यू हैव टू बी, यानी कि दिलो जान से आप जब लग जाए ना किसी काम में फिर मसला नहीं होता। मजदूर नहीं देख रहे होते, मजदूरी कर रहे हैं, 6-6 घंटे कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं, बस एक काम में लग जाता है बंदा और मगन हो जाता है तो फिर नहीं पता चलता कुछ भी। तो इसका इन सारी चीज़ों का सोच से ताल्लुक है। छोटी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है आप दिमाग पे लेके, यार नहीं ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा ऐसे हो जाए, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहने को मसला नहीं। इंशाल्लाह जो भी आपके दोस्त हैं उनसे कहते हैं आज के बाद तेरी मेरी कुट्टी, जितना टाइम ज़ाया करना है तूने मेरा कर दिया, मेरी जिंदगी का आज के बाद तेरा रास्ता मशरिक की तरफ, मेरा रास्ता मगरिब की तरफ, तू शुमाल तो मैं जुनूब। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताएं, मैंने एक एसेट बाय किया 1 जनवरी 2015 को, और WDV के ऊपर मैंने इसको डिप्रिशिएट करना है 15%, और इसकी कॉस्ट है 700। अब जब मैं इस एसेट को डिप्रिशिएट करूंगा तो पहले साल डिप्रिशिएट 700 का 15%, 105 बीवी 59। इस सवाल से हटके बातें कर रहा हूं, बीवी पे रेट लगाएं 15%, 89। जवाब 506। अच्छा, इसके निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है,
डेट इज 700 इंटू 85%। लेकिन एक काम करें, 700 पे जरा 85% लगाएं, वो 595 जवाब आएगा। फिर ये जो 595 आएगा, आप असल में इस पर 85% लगा रहे होंगे, अब आप 700 पे नहीं लगा रहे होंगे। मल्टीप्लाइड बाय डेट इज 506। ओके, सो डेट इज अ शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग द बीबी। ओके, हंड्रेड माइनस पंद्रह 85 आ गया। अगर 8 होता 10%, तो 100 माइनस 10 90। ये बीवी निकालने का आज आपको तरीका बताया। अच्छा, नेक्स्ट अगला सवाल। मैंने बाय किया एसेट 1 अक्टूबर 15 को, और WDV मेथड है डेप्रिसिएशन का, रिटर्न डाउन वैल्यू पे रेट लगाना है 15%, और कॉस्ट है 700। अब 700 पे डेप्रिसिएशन इंटू 674। आप लोग अपने बच्चे को होमवर्क कराया करेंगे ना, वो सो जाया करेगा इतनी स्लो स्पीड के। अबू आगे चले। अच्छा, वो तो बच्चे आजकल वैसे ही बड़े तेज आ रहे हैं माशाल्लाह। 674 जरा 15% 101 573 करें ही नोट। हमारी मस्जिद में मशवरा होता है मगरिब के बाद थोड़ा सा, कि कितने लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं महल्ले वाले, कितने नहीं आ रहे। तो कल मैं थोड़ा सा उस मशवरे से जल्दी आ गया, तो 5 साल के मेरे बेटे ने क्लास ले ली, कहते कि आज आप जल्दी आए हैं। मुझे लगता है छोटा हुआ था मशवरा, किस किस्म की बात है, क्या जल्दी क्यों आए हैं। मैंने कहीं जाना था आगे, तो बच्चे तो नहीं आजकल छोड़ते भाई जान। चले चले जल्दी करें, जल्दी 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 बी क्विक। इधर लगाएं शॉर्टकट, लगाएं जरा शॉर्टकट, लगाएं ना, ट्राई करें लगा के। इधर लगाएं जरा शॉर्टकट, छोटा कट लगा। आ गया 573, नहीं आ रहा। लगेगा शॉर्टकट, शॉर्टकट के बड़े भी लगेंगे। ट्राई करें इधर शॉर्टकट लगाने। कितने लोगों ने कर लिया, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। जी गुड, फर्स्ट रो सेकंड रो, इधर भी 2-3 लोगों ने लगा लिया, 4-5 लोग हो गए। अच्छा यार, इसका तरीका पता क्या होता है, उधर आपने 100 में से माइनस किया था 15, इधर क्या रेट लगा था 15%, इधर क्या लगा है 15%। अब जरा गौर से देखिएगा किया क्या था हमने, 100 माइनस 15, इसलिए 85। 100 को आपने 100 ही रखना है, 100 माइनस 15 85। इधर क्या करना है, इधर आप लोगों ने यह करना है, इधर असल में इधर 15 लगे, लेकिन इधर 15 का 3/12 लगे। आप जरा कैलकुलेटर पकड़े और 15 का 3/12 निकालें, तो पॉइंट्स में जाएगी फिगर, जाने दें। 15 का 3/12 लगे, इधर 15 लगा ही नहीं, 15 का 3/12 जरा बताएं कितना आ रहा है, 3.75 असल में इधर लगे। इस तरह जरा जहन में विजुअलाइज करें, 3.75% लगा इधर। अब क्या किया था, इधर देखें, 100 को 100 समझे, 100 माइनस 15। आप शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, 100 माइनस 3.75, 100 माइनस 15। तो अब 100 माइनस 3.75 बताएं, 96.25। 785% कम हो गया, नहीं 700 पहले साल 85% कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 700 को 96.25%, वैसे लगा के देखें तो ये जवाब आ रहा होगा 674, यहीं पर ओके। मल्टीप्लाइड बाय, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शॉर्टकट लग नहीं सकता अगर ड्यूरिंग द ईयर
परचेज हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर मिड ऑफ ईयर में भी परचेज हो जाए स्टिल यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट। ये आदत मैंने खत्म करानी है मूंछों को ताव देने वाली, 5 दिन है आपके पास वरना मूंछे उतरवा देनी है। तेरे तो पहले बाल कटवाने हैं, तो गर्मियों में इतने लंबे बाल रखे हुए हैं नाई नहीं अच्छा बड़ा इसको पकड़ ले उस तरह लेके आकल। मशीन 8 नंबर की फिरवालिया पर बड़ा जबरदस्त रहता है, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, निकल जाते हैं आराम से 15-20 से निकल जाते हैं। चले बातें किसी और तरह निकल गई, आप लोग ओके। शफकत का हाथ रखें साथ वाले के सर पे, तरह हाइब्रिड वाले भाई दाएं वाला हाथ होता है शफकत वाला, बाएं वाला हाथ नहीं होता शफकत वाला, दाएं वाला हाथ रखें। अच्छा कुछ दाएं बाएं करते हैं ना वो, हमें तो पता ना लगे हमारा कौन सा दाएं कौन सा बाएं। इसी तरह अगर ईयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर भी मिड ऑफ ईयर बिखरा हो तो भी शॉर्टकट लग सकता है। शॉर्टकट लगाने का भी ये तरीका है, इस फैक्टर को आप लोगों ने निकाल लेने फिर वो शॉर्टकट लगाने का तरीका पता चल जाएगा। चलें जी लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू हमें चाहिए 1 जनवरी 2017, ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू। डेट ऑफ परचेज बताएं जी, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2013। कॉस्ट बताएं 100। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बताएं 400। 400 रुपए को आप पकड़ें और 400 रुपए को 1 जनवरी 2013 पे खड़े होकर सोचें इट इज एडिशन, यानी 400 इज लाइक 700। अब 13 का साल, 14 का साल, 15 का साल, 16 का साल, कितने हो गए? 4 साल एसेट डेप्रिशिएट कर गया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 400 को 90% से, तो ये WDV आ जाएगी 31/12/13 की। अब WDV आ गई 31/12/14 की, अब WDV आ गई 31/12/15 की, अब WDV आ गई 31/12/16 की, जो कि 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग है। 260.4 चले, हाँ वो भी मैं बता देता हूं, 400 × 0.9 raised to power 4, ये भी तरीका है। ओके अब विजुलाइज करें हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, 4। कब? साल के शुरू में, साल के शुरू में 4 बिल्डिंग्स पड़ी हैं, उनकी बुक वैल्यू ये है। एडिशंस हमारी हैं कोई नहीं, इसमें मेरा मशवरा है कि डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू पहले निकाल लें, क्योंकि हो सकता है डिस्पोजल के साल की डेप्शन हमने कहीं यूज करनी हो। इससे पहले कि मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूं डिस्पोजल्स की तरह मूव करते हैं। डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन सारे ओन्ड एसेट्स की 10% पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, फर्दर पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज होती है खरीदने के साल में, और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती खरीदने के साल में फुल डेप्रिसिएशन, बेचने के साल में कोई डेप्रिसिएशन। अब जब अजीब सी बात करें टैक्स वाले, बेचने के साल में डेप्रिसिएट ना करो, पास पेपर क्वेश्चन 6 में ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई थी, इसलिए हमने टैक्स वालों की नजर में बेचने के साल में डेप्रिसिएट किया था। बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं ये सवाल, कब? अगस्त के महीने में, जब पेपरों में 15 दिन रह जाते हैं। पास पेपर के क्वेश्चन 6 में वैसे किया था, 10 में वैसे किया, हमने कब कैसे करना है? पास पेपर के क्वेश्चन 6 में ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई थी कि टैक्स वाले बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करते, तो हम कर रहे थे। इधर लाइन लिख दी है टैक्स वाले बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं कर रहे तो ना करें, बस ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब एक तरीका तो इधर शॉर्टकट बिल्कुल तसल्ली से रख सकते हैं, मुझे डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू चाहिए, एंड दैट शॉर्टकट इज ऑफ बुक वैल्यू कॉस्ट इनटू ये क्या आ जाएगा 90% लगा के 31/12/13 की WDV आ जाएगी, ये 31/12/14, ये 31/12/15, ये 31/12/16 तक डेप्रिशिएट करने, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। और अगर डेप्रिसिएशन होती इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल तो 17 के साल में अगर सवाल में लिखा होता
आपने डिडक्शन चार्ज करनी है इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, या सवाल साइलेंट होता तो हम बेचने के साल में भी डिप्रिशिएट करते हैं। अब हम बेचने के साल में क्यों नहीं डिप्रिशिएट कर रहे? 31/12/13 की बीवी, 31/12/14, 31/12/15 की बीवी, 31/12/16 की बीवी, नो डेप्रिसिएशन इन 31/12/17 का साल। पॉइंट ओके, डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की नजर में ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑन 1 जनवरी 17 माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। वी आर वेरी लकी, वी कैन यूज दिस फिगर। ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। वी आर वेरी लकी, वी कैन यूज दिस फिगर बिकॉज इट इज ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। लेकिन अगर बेचने के साल में डिडक्शन चार्ज करनी होती तो फिर हमें शायद 90% पे रोक के यहां तक फिर 65.6 अलग से खरीदना पड़ता भाई। माइनस 65.6 जरा 10%, ये हो गई ओपनिंग माइनस 6 डिस्पोजल्स के ऊपर। अब एडिशंस है नहीं, डिस्पोजल पे नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 19.68 डन जी। बताएं डेप्रिसिएशन, वन 0.12। कुछ कहने को दिल चाह रहा हो तो कहें। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट, एक मिनट, नहीं कुछ कहने को दिल चाह रहा हो तो कहें। हाँ कैरी डाउन, कौन बोले? वेल डन। क्या मतलब है? बस भाई शॉर्टकट लगाएं, कैरी डाउन निकालें, ऊपर वाला सारा इग्नोर करें। बिल्डिंग्स ही तीन है सिर्फ साल के एंड पे, बिल्डिंग्स ही तीन है सिर्फ साल के एंड पे। पहले बोलना सी कितने कि कैरी डाउन करना क्यों है। अच्छा आप बता दें बिल्डिंग्स कितनी? तीन। कितने वाली? 300 वाली। भाईजान मैं रेट लगाता हूं, आपने मुझे बताना है ये किस साल की बीवी आएगी। 31/12/13 की, 31/12/14, 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल दिस अकाउंट वी कैन डू दिस कैलकुलेशन, एंड इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल दिस अकाउंट वी कैन डू दिस कैलकुलेशन। नो इट्स अप टू यू कि आपने पहाड़ आजमाने या आपने तीर आजमाने। अब इंस्टेड ऑफ, आगे तो हो जाएगा वो अकाउंटिंग वालों के WDV, टैक्स वालों के WDV, TTDDT, वो सब हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं एक सवाल के जरिए। यकम अप्रैल 12 परचेज्ड 6 बिल्डिंग्स फॉर ₹600 ईच। यकम 30 सितंबर 16 सोल्ड 1 बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन 15% रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा जी 16 का टी अकाउंट बना दे, 16 का टी अकाउंट, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल वाली बात मैंने नहीं लिखवाई, एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ये भी मैं फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एडिशन भी नहीं मैंने लिखवाया, और नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल भी मैंने नहीं लिखवाया। तो नॉर्मल तरीके से चले 16 का टी अकाउंट बना दें, 31/12/16 का। इकतीस बारह सोलह का टी अकाउंट, मेरा सवाल बहुत क्लियर है,
एक अकाउंटिंग वाला, टैक्स वालों का मुझे नहीं पता, ये बस कोई भी डाटा है आपके सामने, मैंने रेट ही एक दी है तो बात ही खत्म होगी। बस अकाउंटिंग वालों का समझ लो, टैक्स वालों का समझ लो, मैं तो कैलकुलेशन की रिविजन करा रहा हूँ। इसमें साल के बाद आपको एफ आई आर 1 हो जाएगी। कभी तो इधर जाती, कभी तो उधर जाती, कोई एक जगह बैठ जा दरियाबा, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा टी अकाउंट बनाएं और फिर देखें कहाँ कहाँ आपके अंदर डेफिशिएंसी है। किसी में विटामिन की कमी होगी, किसी में कैल्शियम की कमी होगी, और किसी में किसकी, कैरेमल की कमी होगी, लेज की कमी होगी। तो ये बड़ा अच्छा किया, पास कर से का जो घर जाके दोबारा किया ना, सबने बड़ा अच्छा किया। भाई जैसे बीडी बीवी नहीं निकल रही तो क्लोजिंग बीवी कहां से आनी है? मेरे आने पे उन्होंने अकाउंट खोल लिया, चेक कर। कैरी डाउन भाई जी, अगर कैरी डाउन नहीं निकला ना, शॉर्टकट से मुझे नहीं चाहिए ना, शॉर्टकट से मड़ा नहीं चाहिए, फुल चाहिए मुझे। हाँ फुल, शॉर्टकट से नहीं, नहीं शॉर्टकट यूज करो, कैरी डाउन शॉर्टकट से ना निकालो, कैरी डाउन बैलेंसिंग निकालना है बस। सो जबरदस्त, भाईजान भाईजान अप्रैल के अंदर 2012 में कितने महीने यूज हुआ? 15% जरब 9/12 बोलें 11.25। अगले साल 15%, 16 के साल में कितने परसेंट डेप्रिशिएट हुआ? अगेन 15% का 9/12, अगेन 15% का 9/12। किसके लिए? सारे एसेट्स के लिए नहीं, अभी मैं बिके हुए एसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं ऐसे ही फैक्टर आपके सामने लगा के दिखा रहा हूं कि 15% जरब 9/12 कितना आ रहा है, 11. कितने लोगों को पहले साल वाला 11.25 और आखिरी साल वाला 11.25 समझ आ गया? ये अगर प्लानिंग पहले कर लेते तो फिर शॉर्टकट लगाने आसान है, अगर ये प्लानिंग नहीं हुई तो फिर शॉर्टकट के अंदर दिमाग में दही बननी है। हाँ अभी मैं सब कुछ करूंगा, बाकी 16 के साल में 11.25% डेप्रिशिएट होगा बिका हुआ एसेट, बाकी 15 ही होंगे। ये ऊपर मैंने आपके सिर्फ समझने के लिए शो किया। चलें जी नेक्स्ट, 16 का टी काउंट, मुझे नहीं पता अकाउंटिंग वालों का या टैक्स वालों का। यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन, कितनी बिल्डिंग्स खरीदी? 600 जरब 6। ओए ये भी करना था, मैं तो समझा था 600 ही से चला दिया, 600 से चलाने वाले आंकड़ा करें भाई जान, ईट सरकार ईट, 600 जरब 6 3600। अच्छा भाई जान 2012 के लिए मुझे फैक्टर बताएं, 2012 11.25 नहीं, 100 माइनस 11.25 88. ये क्या देगा? 31/12 की बीवी
मुझे 31/12/13 की भी नहीं चाहिए, मुझे 31/12/14 की भी नहीं चाहिए, मुझे तो 31/12/15 की चाहिए। 1962। चलें जी नोट करें। अच्छा नेक्स्ट, पहले जरा डिस्पोजल की बीवी निकाल लें फिर बाकियों की बात कर लेते हैं। ये हो गई 12 की, 13, 14, 15 और लकीली इस साल भी 9/12 महीने यूज हुआ है क्योंकि 30 सितंबर तक इस्तेमाल हुआ है, तो 88.290। अच्छा जी डेप्रिसिएशन, यार हाथ रखो आगे। अच्छा डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बीवी बताएं, ये 290 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्पोजल के दिन की बीवी है। एक छोटा सा काम मैं करने लगा हूं माजरत, विदाउट शोइंग कैलकुलेशन 88.75 हटाकर मुझे बताएं यहां तक बीवी कितनी आ रही थी, 327.02। ये माजरत मैंने फिगर आपको शो नहीं कराई कि मैंने कैसे निकाल लिया, ये इसको मिटा के यहां तक चलें, इस पे रेट लगा दें पूरे साल का 245। और ये बीवी है ओपनिंग, ये बीवी ओपनिंग मिल गई। सोच कितने लोगों की चली गई थी कि ये ओपनिंग बीवी फिर इधर आके डेप्रिशिएट होगी। ओपनिंग बीवी जरा 15%, जरा 9/12। ये डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल पे 9 महीने की डिडक्शन चार्ज होनी है। सोच डीप डाउन जाके, ये ओपनिंग बीवी है इज इक्वल टू 37। हां जी 280। हां जी बोले 13। खड़े हो जो हम, आज पता नहीं क्या 9 लगे हुए थे, कैरी डाउन ये निकाला था, ठीक है बैठ जाओ जी। एक दो भाई इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ये मैंने यहां क्यों यूज किया है ये मैं बता देता हूं। हाँ हाँ हाँ, उन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, 290 और 327 का, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, कर सकते हो। भाईजान इफ समवन इज हैविंग प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेशन एंड ही इज फीलिंग प्रॉब्लम, तो 10 नहीं क्लास के बाद नहीं, एफ आर वन है ये क्लास के बाद, तो इसका मैं आपको हल पेश करता हूं। आप मैनुअली कैलकुलेशंस कर लीजिएगा घर में जाके ना, मैनुअली कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। मैनुअल कैलकुलेशन पेपर में आपके 1-2 मिनट ज्यादा ले लेगी, 1-2 मिनट और ज्यादा टाइम नहीं लेगी, कोई मसला नहीं। मैनुअल कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, मैनुअल कैलकुलेशन में एरर का चांस भी कम होता है और मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर जो है वो आप जल्दी जरा काम कर लेते हैं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं लेकिन क्विकली चीजें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इधर जरा सोच लगानी पड़ती है और उधर कोई सोच नहीं लगानी पड़ती, ये आसान सा डाटा किसी भी एफ वन के बच्चे को कहें कैरी डाउन निकाल दो, वो आपको फौरन निकाल देगा क्योंकि उसे मे बी शॉर्टकट पता ना हो, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशन वो बड़ी आसानी से कर सकता है। तो मैनुअल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल जी, वो भी करके बता दें। मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर दो वर्किंग्स होंगी, एक आपकी ओपनिंग बीवी निकालने के लिए वर्किंग होगी, कॉस्ट बोलें 3600,
मैनुअल कैलकुलेशन, 3600 जरब 15% जरब, पहले साल तो वो इस्तेमाल हुए ना सिर्फ 9 महीने, यकम अप्रैल को लिया था कितना 4051931995। अब तो इधर उधर मुतवज्जे हो गया। अगले साल की डिडक्शन आगे 27, अगले साल की डिडक्शन 230, 12, 13, 14, 15, बस आखिरी 15 के साल की 1963। ये ओपनिंग बीबी आ गई, ये जी ओपनिंग बीबी 1962 आए, 63 आए, प्लस माइनस 1 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह डिस्पोजल के लिए ये कैलकुलेशन होगी कॉस्ट से चलते हुए, बाकी डेप्शन की कैलकुलेशन उसी तरह है, करवा दें वो भी। डिस्पोजल 600, डेप्रिसिएशन 600 जरब 15% जरब जी 5, 32 आगे 80 आगे 4 आगे 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 320। ये ओपनिंग बीबी है, यहां माइनस होती है और इस साल फिर इसकी बेस पे डेप्शन कैलकुलेट होती है। लेकिन हमें ना 6 महीने की डेप्शन और भी चाहिए, 6 महीने की और भी, 9 महीने की इंटू 15% इंटू 9/12 37, 289। चलें जी मैनुअल तरीके की तस्वीर खींच लें, शॉर्टकट की तस्वीर। हाँ जी कल की है माशाल्लाह, भाई कह रहे हैं फेसबुक मैंने डिलीट कर दिया मोबाइल से, जब मैं मोबाइल उठाता हूँ तो ऐसे खाली खाली सा होता है। तो जी जी भाई हाँ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कोई नहीं है, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को जरा जूम कर दिया, जूम इन जूम आउट। अब ये क्वेश्चन अलॉन्ग विद सॉल्यूशन है। अच्छा अब एक दो स्टूडेंट ने उधर अनअर्न्ड कमीशन इनकम के बारे में पूछे जो कल के सवाल में थी, उसको अब देख लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं अपना आज जो हमने काम करना है। आज हमने एक बिल्कुल आईएएस 12 में नया काम करना है, प्रायर ईयर एरर, फिर ऑलमोस्ट हमारी चीजें खत्म हो गई हैं, एक नेड़े लग गई हैं, अब इसके बाद पास पेपर फिर करने शुरू करने हैं। कल से हमने रिवैल्यूएशन शुरू कर देनी है, आईएएस 12 में रिवैल्यूएशन भी है तो थोड़ी रिवैल्यूएशन एफ ए आर 1 वाली रिवाइज करेंगे। अच्छा ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स ना लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज इंक्लूड अनअर्न्ड कमीशन ऑफ 10 मिलियन, लाइबिलिटीज में पड़ा हुआ है कमीशन अनअर्न्ड 10 मिलियन का। दुकानदार ने जो हमारा कैंटीन वाला है उसने अगर बोतलें खरीदी हुई हैं उधार पर, यह भी लाइबिलिटी है। उसने अगर बिस्किट खरीदे हुए उधार पर, यह भी लाइबिलिटी है। आपने उसको जाके पैसे दे दिए मैं कल समोसा खरीदूंगा, ये पैसे भी लाइबिलिटी है उसके ऊपर, वो एंट्री करेगा कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। तो सवाल कह रहा है पेबल्स में अनअर्न्ड कमीशन पड़ा है 10 मिलियन का, हमने बनाया अकाउंट
कमीशन इनकम, इसका मतलब है किसी ने हमें कमीशन दे दिया है, हमने उसकी चीजें बाद में बिकवानी है, ये कमीशन इनकम होती है, ये रेंटल इनकम नहीं होती। रेंटल इनकम ये होती है किसी ने हमें पैसे दे दिए हैं, हमने घर किराए पे अगले साल देने। अनअर्न कमीशन इनकम ये होती है किसी ने कमीशन दे दिया है और हम अगले की चीजें एज एन एजेंट, वो प्रिंसिपल होगा, एज एन एजेंट हम अगले साल बिकवाएंगे। इनकम अकाउंट में ना इधर ओपनिंग रिसीवेबल होता है, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल होता है, इधर ओपनिंग अनअर्न होता है और इधर क्लोजिंग अनअर्न कितना है 10। ये अनअर्न अगले साल अन होके किसमें जाएगा, पीएनएल में, तो इस साल कहां चला गया, कैश में। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट सेकेंड स्टेप। अब देखना यह है कि टैक्स वाले कौन से अकाउंटिंग फॉलो करें, कैश या एक्रूवल। उसके लिए ना चैलेंज हुआ करेगा इस फिक्रे की अंग्रेजी समझना। कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड, नो, कमीशन इज टैक्सेबल जब आप कमाएंगे। मेरे भाई इस अकाउंट से देखें, कल मैंने इस तरह बात नहीं की थी आपसे, इस अकाउंट से देखें, जब कमाएंगे तब इनकम में डालेंगे, कमाएंगे तो अगले साल, यानी जब अर्न करेंगे एक्रूअल अकाउंटिंग, और अगर लिखा होता जब रिसीव करेंगे तो कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड। अगर ये लाइनें लाल किताब बोल रही हो, कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल व्हेन अर्नड, अगर ये लाइनें, भाई सदी लागे तुम्हें, तो इसका मतलब है कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही है, एक्रूअल। और अगर ये लिखा हो कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट, तो कौन सी अकाउंटिंग, जब साबित हो गया ये एक्रूअल अकाउंटिंग है अर्नड वाली, तो करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ भी नहीं करना, डेफर टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस को क्या ले लेना है, हमेशा बराबर ले लेना। किस वजह से बराबर ले लेना, क्योंकि दोनों एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं जी। क्लियर, उस क्लास में जरा हाथ खड़ा करके बता दें। ओके अच्छा जी, ये कल के टेस्ट का सोल्यूशन अभी मैं अपलोड कर दूंगा, प्रायर ईयर एरर निकालें जरा, प्रायर ईयर एरर एक थी भाई कल का टेस्ट, तो वो कौन सा था, पास पेपर का कौन सा सवाल था, 14 पास पेपर का क्वेश्चन 14 था, तो पास पेपर का क्वेश्चन 14 था। अब जाके देख लें यार, जाएं जाके जो जो देखने पहले देख आए, लेकिन उसकी सारी एडजस्टमेंट्स तो नहीं थी, दो तीन एडजस्टमेंट्स उसमें नहीं डाली हुई थी क्योंकि वो अभी की नहीं थी हमने, और एक दो एडजस्टमेंट नहीं, नहीं वो टैली करने की ये वजह तो नहीं क्या, अच्छा चलें एक दो मिनट बच्चों को देख लेने दे जो इन्होंने देखना है। भाई लीज में आपने टेस्ट में कोई इंस्टॉलमेंट माइनस नहीं करनी थी, इट इज डिडक्टेड व्हेन पेड, कोई इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं हो रही थी, बस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाना था। हाँ वो तो भाई जन भाई कह रहे हैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं उठाना था, 9 महीने का उठाना था। इन सारी बातों को छोड़ें, IFRS 16 में अगर P&L में जो फिगर जानी है वो सोच के उल्टानी थी, तो P&L में सारी बातें 9/12 की फिगर से जाती है, तो इसलिए जो उल्टानी होती है ना फिगर्स, वो आप मुझे ना बताया करें, उल्टानी वाली फिगर्स में मसला है तो आपका IFRS 16 का मसला है, ये IFRS 16 में आपको P&L सही तरह नहीं बनाना था, तो जो उल्टानी फिगर्स हैं वो आपकी तरफ से, और जो माइनस करनी है वो किताब की तरफ से, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ चीजें पेट है वो बता दें, कुछ चीजें पेट है वो बता दें, IS 12 में अभी तक पेट चीजें क्या हैं? ग्रेचुटी हमेशा पेमेंट बेस में माइनस होगी, उसमें कभी हमने अक्रूअल की बात नहीं पड़ी, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अंदाजा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा एक्चुअल एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ होगा फिर माइनस होगा। अच्छा लीज में हमेशा इंस्टॉलमेंट्स माइनस होंगी, ये तीन चीजें पेट हो गई, तीन चीजें पेट हो गई। बोरोइंग कॉस्ट में हमेशा इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में डालेंगे और टैक्स वाले उसको क्या कहेंगे, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो ये चार पांच चीजें हैं, मैं आपको लिखने को नहीं कहूंगा, इसलिए कि आपने पेपर में वही करना है, हम पहली क्लास से ये करते आ रहे हैं, आपने भी पेपर में वही कराना है। तो इन चार चीजों में आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपने लाइन लिखी होगी प्रोविजन इज अलाउड व्हेन बैड डेट इज रिटर्न ऑफ, जरूरी नहीं लाइन लिखी हो, प्रोविजन इज अलाउड व्हेन ग्रेच्युटी इज पेड, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ रेंट टू बी डिडक्टेड इन लीज, इसी तरह सवाल में ये लाइन ही लिखी होगी कि एज पर IS 23 के इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन इनकर्ड, ये चार लाइनें पेपर में नहीं लिखी होंगी, क्यों नहीं लिखी होंगी,
ये चीजें पेट हैं, ये चीजें पेट हैं, पक्की हैं, इन चीजों के बारे में वही रूल है जो हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, बाकी बहुत सी चीजों के बारे में रूल डिफरेंट होगा, रेंटल इनकम कभी कैश अकाउंटिंग कभी अक्रूवल अकाउंटिंग, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, रेंट एक्सपेंस विल बी अलाउड एज डिडक्शन, रिपेयर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इनके बारे में रूल जो भी होगा वो सवाल बता दिया करेगा। फिक्स्ड एसेट डिडक्शन के रेट सवाल बता दिया करेगा, कोई चीजें पेट नहीं है। और फिक्स्ड एसेट में यहां तक हमने देख लिया कि इस सवाल में हमने नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और उस सवाल में पास पेपर क्वेश्चन 6 में डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो फिक्स्ड एसेट में भी कोई चीजें पेट नहीं है, जो पेट चीजें हैं वो तीन चार ही हैं, लेकिन वो तीन चार चीजें मैं आपको इसलिए नहीं लिखवा रहा कि वो जो क्लास में जिस तरह की हैं उसी तरह करनी है हर क्लास के अंदर, तो उनको अलग से लिखने का कोई फायदा नहीं है। और पेट के अलावा वाली जो चीजें हैं वो सवाल बता दिया करेगा। प्रायर ईयर एरर्स निकालें, पिछले साल की गलतियां, अगर आपका दोस्त आपकी नमाज की फिक्र नहीं कर रहा तो ऐसे दोस्त से नहीं तकिया इख्तियार ना करें। पेज 289, नई किताबों में ये लाइनें लिखी हुई हैं, 289। बना दो दूसरा पार्ट।